लेट्स स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे साथ हैं हाफिज भाई, उस्मान और मैं, आप मुझे जानते ही हैं, फहद भाई जानते हैं, फहद भाई जाने पहचाने। और जी आज भाई उस्मान आज सुबह आया था, हाफिज भाई आए थे हमारे पास, तो वो मुझे कह रहे थे कि व्लॉग श्लॉग बनाओ, स्टूडियो ओपन करो, बैठो बैठो। ये तो हम तो बैठ गए हैं, लेकिन वो चला गया जी अकेडमी, तो मुझे अब हो रहा है कि उसको होना चाहिए था बीच में, लेकिन अब वो नहीं आ सका, क्योंकि तब मेरे पास अभी को मतलब बात नहीं थी करने को, और आप भी नहीं थे अभी सुबह के आए। मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। खैर, लेकिन हमारे पास बातें करने को बहुत हैं, जैसे कि हमारा कल क्या हुआ जी कल जी पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से जो है वो हार गया है, और हमारे बाबर आजम माशाल्लाह वो चले ही नहीं इस बार, समझ ही नहीं आई इनको, या शायद ये बारिश का इंतजार करते रहे, बारिश का नहीं, हम स्लो खेलते रहे और बारिश हो जाए। अगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक देखा जाए ना, मेरे जज्जे के मुताबिक अगर देखा जाए, तो इन्होंने ना वो किया है कि यार फाइनल में तो पहुंच गए हैं, एक हार देंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, फाइनल में कैसे पहुंच गए, फाइनल में ये पहुंचे ही नहीं है। अब इंडिया इंडिया की टीम तो हमारी बहुत ही बड़ी वो चीज़ है ना, वो समझ लें, इतना तो कहा जा रहा है जी अब ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ये सिचुएशन बन जाए तो ऐसे हो जाए, और ये तो हमें मतलब ना पुराना पाकिस्तान की टीम हमें याद करवा रहे हैं कि पहले पहले कुछ हुआ करता था ऐसे कि यार ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो फिर इस सिचुएशन में आके पाकिस्तान आगे आ जाएगा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम भी T20 वर्ल्ड कप में इसी तरह ही हुआ कि मतलब उसने कौन सी टीम थी, नीदरलैंड थी, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, तो हम आगे आ गए थे, ठीक है। और लास्ट एक और मुझे बात याद है कि हमारा इंडिया की टीम माशाल्लाह ऐसी है, ये डरती तो है हमसे, डरती इस लिहाज से है कि अब इसके बारे कहा जा रहा है कि मतलब जी अब मैच अभी देखा है इनके, अभी 100 भी नहीं हुआ, 91 पे इनके 2 आउट हैं, मैंने देख लिए, कैसी टीम है माशाल्लाह है, फटाफट आउट भी हो गए हैं अभी इधर, अब इन्होंने जानबूझ के हारना है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को जो है वो चांस ना मिले और हमारा इनके सामना ना हो दोबारा, और पाकिस्तान हो जाए बाहर, ताकि हम दोबारा टकरा ना करें, अगर ये आगे आगे तो ये फिर हमें मार देंगे वैसे ही, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड का जब फाइनल हुआ, लेवल होते होते फिर भी इंग्लैंड जीत गई थी, तो इंग्लैंड को भी ये ऊपर लेके आए थे और खुद ये कुत्ते की मौत मरे थे ये भी, ठीक है, खुद ये बाहर हो गए थे, उसको बड़ा ये ऊपर लेके आए थे खुद हार के, और मुझे अच्छे तरीके से याद है तब इनकी इन्होंने अपनी अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज की थी, अपना ना मतलब किट जो थी वो भी चेंज कर ली थी, उसमें इन लोगों की वो सर्फ एक्सेल का वो जो पैकेट नहीं है उस तरह की आई थी इनकी वो किट, तो हाँ उस तरह की इनकी पैकेट टाइप इनकी वो है थी किट, और मतलब इनको पता था कि हमने हार देना तो हम अपनी ओरिजिनल ब्लू किट में ना हारें, हम इस किट को गंदा कर दें, ठीक है। तो इंडिया को, इंडिया की टीम को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, अब ये बच्चों से हरेंगे और पाकिस्तान को ये अपनी खारबाजी में बाहर रखेंगे, बाहर निकालेंगे, लेकिन खैर हम नहीं मतलब कहें कि लो जी अब इंडिया को जीतना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बात ये है भाई जीतना बंदे को खुद चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए था अच्छी परफॉर्मेंस करता, और ऊपर से जी इंडिया को भी टाइम मिलता रहा, रेस्ट कर करके ही आते रहे, ठीक है, फ्रेशली हो, फ्रेश हो के आते रहे, और मैच का इतना लंबा चौड़ा वो मामला होगा, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे डिले, दो दिन अगर मैच लटक जाए ना तो वो हो गए, जिसके हक में मैच होता ना वो उसके हक में मैच होता है, मतलब कि इनको मौका मिला फ्रेश हो के आके खेलने का, अगर तुम एक मैच लटक गया ना, मतलब कि आपने बारे ले लिया, मैं लटक गया बीच में बारिश में, आज फिर मेरे से खेला नहीं जाएगा, मेरे से शर्त लगा लें आज श्रीलंका जीत जाएगा, इंडिया हार हारेगा, इस वजह से कि पाकिस्तान आगे ना आ जाए, आके हमें ना कटापा झाड़ दे, क्योंकि हर दफा तो नहीं ना आउट होते सारे, इसी तरह हर दफा तो नहीं ना सिखा चलता, यार इन्होंने अफगानिस्तान की दफा भी इसी तरह किया, अफगानिस्तान को इन्होंने खरीद लिया था लास्ट टाइम पे वर्ल्ड कप जब ये कुर्सियां वगैरह इन्होंने छाली की थी यार, तभी खरीद लिया था अफगानिस्तान को, और विराट कोहली साहब सेंचुरी कर रहे हैं वहाँ पे, बड़े खुश हो रहे हैं, कटापा चाड़ रहे हैं उनको, है तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ी देर से वास्ता है हमारा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, तो खैर कोई बात नहीं, ये अल्लाह की ज़ात है जी हमारी मदद करने वाला,
तो ये भाई पाकिस्तानी टीम ऐसी है, ये हारने के बावजूद भी जलील नहीं होती। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की खास रहमत है, पाकिस्तानी टीम के ऊपर। हाँ जी, ये इज्जत भी दी, कहते हैं ना बनाने वाले ने ऐसी बनाई कि नीचे वाले मिटा ना सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर आज मतलब अब ये हारेगा इंडिया, और आज कोई नहीं, अगर अगर इंडिया हार भी जाए तो श्रीलंका फिर फर्स्ट पे आ जाएगा या इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड में पाकिस्तान आ जाएगा। हाँ नहीं, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा, पाकिस्तान नहीं ऑलरेडी थर्ड पे आ गया। अच्छा आ गया थर्ड पे। चलो खैर जी, आफा साहब बहुत सुनाए। कुछ भी नहीं, ठीक ठाक है हम सब, खैरियत। कॉलेज की सुनाएं, कॉलेज आपका माशाल्लाह जी, कॉलेज स्टार्ट हो गया हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं, आप सब कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज कैसे दिन लग रहे हैं? कॉलेज तो अच्छे दिन जा रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे। तो उधर कोई अपनी बरादरी नहीं मिली, YouTube फैमिली? YouTube फैमिली तो मिली है। हाँ मुझे पता चला था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना। YouTube फैमिली मिली है, वो मेरे दोस्त हैं, वो देखते हैं कॉलेज के लड़के। अच्छा, ऐसे ही मैं एक दफ़ा बाहर गया, वैसे मैं एंटर हुआ तो वो एक लड़का आकर पूछा जी मेरे से, हाफिज भाई आप यहाँ पर? मैं आगे से देखूँ यार इसने मुझे कहाँ देख लिया। वो उसने कहा यार मैं हाफिज भाई आका, मैं भी लोग देखता हूँ। वो एक किस्म यार अजीब सी फीलिंग आई। क्या बात है जी, फैन मिला वैसे कहा ना, हाँ फैन मिला। वो उसके बाद उसने भाई यार हाफिज साहब ब्लॉगर हैं, ये हैं वो हैं, वो हर कोई आके मेरे से पूछे यार आप क्या करते हो, क्या करते हो, ये है वो है ये है वो है। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं करता, आप बस बैठते हैं बातें करते हैं, बैठते हैं बातें करते हैं और चले जाते हैं, अपनी हम डेली रूटीन बताते हैं, डेली रूटीन बता देते हैं। तो यही हुआ, उन्होंने शायद उसने दो तीन मतलब उसको कहा फिर सब्सक्राइब करो, उसने एक आधे ने फिर सब्सक्राइब भी किया। अच्छा, क्लास के जाने ने फिर वो सारे बैठ के देखते हैं जहाँ पर हम करना काम करना होता। अच्छा, जहाँ पर हमने काम करना होता ना, ऊपर से मैं अब मुझे बना दिया क्लास का सीनियर क्लास रिप्रेजेंटेटर, वो अब जो मेरे मौजूदगी में जो काम होगा वो फिर आपकी मतलब वो मेरी जिम्मेदारी भी होगा। अच्छा, तो क्लास का रिप्रेजेंटेंट बना दिया आपको, तो मतलब उसमें काफी आपकी जिम्मेदारी होती होगी क्लास की, मतलब आपने चेकिंग करना होगा मतलब लड़कों को किस तरह, मतलब चेकिंग तो नहीं होती, मतलब देखना होगा किस तरह क्लास में क्या हो रहा है, क्लास का नज़्म व ज़ब्त ठीक रहा है कि नहीं, और जिस तरह क्लास वो क्या बनता था रैप के क्या उसको बोलते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर मॉनिटर बनते होते थे क्लास के, क्लास का वो क्लास हेड बॉय कहते हैं, किसम का हेड बॉय नाम रखा होता है जो हेड बॉय जो टीचर के टीचर का नायब होता है, वो मतलब अगर टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे कोई शरारत ना करे एक दूसरे तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो तुम तो खुद इतने बड़े शरारती हैं, तो कैसे संभाल लेते हैं क्लास को? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब चीज़ सर पे पड़े ना फिर वो बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना ऐसे ठीक है शरारत करते हैं हम भी करते हैं मिलकर करते हैं, लेकिन ये है एक लिमिट में, लिमिट बड़ी जरूरी है, एक लिमिट में काम होता है ना जो वो अच्छा रहता है, बाकी अगर लिमिट क्रॉस कर दे फिर वो मेरा गुस्सा भी देखते हैं बच्चे मुझे कहते हैं, एक बच्चे आया मैं उसको पॉइंट नहीं करूँगा, कहते हैं आफत साहब आप गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। तो जी गाइस, मतलब कि अब हम इसके कॉलेज के साथ साथ अब यहीं हम अपना एंड करते हैं ब्लॉग का जी, अब हर्ष भाई तो गए हुए एकेडमी, तो लिहाजा हम व्लॉग में ही उनको कहते हैं जी सॉरी अब आप आ नहीं सके, अब जब पहले आए थे आप तब मतलब इतना नहीं था अभी, तो अब जी हमें दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपने, तब तक दें इजाज़त। और रही बात मैच की, तो इसमें अब जो है अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, जैसे भी है जैसे भी आगे आना नहीं आना कोई बात नहीं, एक मसरूफियात थी, अब मैच देख रहे थे खुद भी, हम खेलते हैं मैच तो इस वजह से हम शौक से देखते हैं, लेकिन इंडिया की करतूतों का हमें पता है, तो वो अपना खेले कोई बात नहीं ठीक है, अगर पाकिस्तान का आगे आना हुआ तो इंशाल्लाह जी आएगा, ज़रूर आएगा, हमारी दुआ है, कोई बात नहीं, वेल प्लेड इंडिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये जो आप फजूल हरकतें करते हैं ना, नहीं करने, गेम को गेम की नजर से देखो, ये जो आप आगे अजीब किस्म की हरकतें करते हैं ना, सियासत कर देते हैं क्रिकेट को ना, सियासत की नजर से देखने लगे, ये आप गलत करते हैं, चले कोई बात नहीं ठीक है, अब ये तो सारे हमसाये ही खेल रहे हैं, तो अब एशिया कप है क्या कह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, एशिया कप कौन सा दोबारा नहीं आना, अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कर लो तैयारी, कोई नहीं, अपने प्लेयर्स को भी हम कहते हैं जरा तैयारी करके रखा करो, तैयारी करके, हाँ तो तंग ना किया करो, ठीक है जी। पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना वो ऐसे हैं जब खेलना हो ना तो सारे अंडे भी आउट होते हैं, लेकिन जब ना खेलना जब खेलना हो ना
फिर सेंचुरी भी मारते, 150 भी कर लेते, 151 का बाबर आजम का, फिर 228 की ना पार्टनरशिप चलती है 151 बोलों पे, 228 की पार्टनरशिप चलती है फिर। हाँ लेकिन जब खेलना हो ना फिर पाकिस्तान अच्छा भी खेलता है, लेकिन जहाँ खेलना हो मेरे ख्याल से जहाँ जरूरत होती है वहाँ रह जाता है, वहाँ रह जाता। उम्मीद ना थोड़ा करें, चलें खैर कोई बात नहीं, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। बिल्कुल, आज आपका डायलॉग मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं यार, बाकी अब आप आके आप भी हमारे मोस्ट फेवरेट एंडर अजीब किस्म के हमारे ब्लॉगर है आप भी, कोई बात नहीं। तो ठीक है जी, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। Thank you.